नमस्ते प्यारे बच्चों, आज हम एकम तीन समझदार नन्ही का अभ्यास करेंगे। आप इसे ध्यान पूर्वक समझेंगे। बच्चों, सबका स्वभाव एक जैसा नहीं होता। अच्छे स्वभाव वाले लोग हमेशा अच्छे काम करते हैं, वे दूसरों की भलाई करते हैं। बुरे स्वभाव वाले लोग बुरे काम करते हैं, जो उनका भला करते हैं उनके साथ भी वे बुरा व्यवहार करते हैं। हमें किसी भी स्थिति में किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। बच्चों, अब हम इस कहानी को संक्षिप्त में समझेंगे। यह कहानी एक बतख और बिच्छू की है। डंक मारना तो बिच्छू का स्वभाव है। इस कहानी में बिच्छू दलदल में फंस जाता है और उसे बतख बचा लेती है। लेकिन जितनी बार बिच्छू को बचाया जाता है उतनी बार बिच्छू बतख को डंक मारता है। पर अंत में बिच्छू अपना गंदा स्वभाव बदल लेता है और कहता है, बहन आज से मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। बच्चों, अब हम इस पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। नन्ही बतख तट पर आई। तट यानी किनारा। तो उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा है। दलदल अर्थात गीली जमीन। बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो। नन्ही को उस पर दया आ गई। उसने बिच्छू को दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया। बिच्छू को शैतानी सूझी। शैतानी अर्थात शरारत। उसने नन्ही को डंक मार दिया। नन्ही पीड़ा से तड़प उठी। पीड़ा अर्थात दर्द। उसने बिच्छू से पूछा, क्यों भाई तुमने मुझे डंक क्यों मारा? बिच्छू लापरवाही से बोला। लापरवाही अर्थात बच्चों बेफिक्र। क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है। स्वभाव अर्थात आदत। नन्ही बोली, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो कोई मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। बिच्छू उसकी बात अनसुनी कर आगे बढ़ गया। अनसुनी करना यानी ध्यान न देना। नन्ही अपनी माँ के पास नदी में चली गई। माँ ने पूछा, नन्ही बेटी तुम कहाँ रह गई थी? नन्ही बोली, माँ एक बिच्छू दलदल में फंस गया था, उसे बचाने में देर हो गई। माँ खुश होकर बोली, बेटी यह तुमने बहुत अच्छा काम किया। नन्ही बोली, लेकिन बदले में उसने मुझे डंक मार दिया। माँ बोली, बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है। तुम उसे चाहे कितनी बार बचाओ वो बार बार डंक मारता रहेगा। नन्ही बोली, माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूँगी। अब देखो बिच्छू फिर से पानी में गिर जाता है और नन्ही उसे कैसे बचाती है। कुछ दिन बाद बिच्छू के प्राण संकट में पड़ गए। इस बार वह पानी की धारा में जा गिरा और डूबने उतरने लगा। मौत सामने देखकर बिच्छू को नन्ही की याद आई। वह नन्ही को पुकारने लगा। नन्ही ने बतख की करुण पुकार सुन ली। करुण अर्थात दुख भरी। वह झपट कर बिच्छू के पास आ गई। सहसा ही उसके मन में विचार आया, अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। बिच्छू गिड़गिड़ाने लगा। गिड़गिड़ाना अर्थात विनती करना, बहन मुझ पर दया करो। नन्ही का मन डोल गया। उसने सोचा, हो सकता है इसने अपनी गंदी आदत छोड़ दी हो। मन डोलना विचार बदलना। नन्ही ने बिच्छू को दोबारा नया जीवन दिया। बिच्छू अपने स्वभाव के अनुसार उसे डंक मारने के लिए आगे बढ़ा। नन्ही उसका इरादा समझ गई। वह मुस्कुराकर बोली, बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए? ठिठकना अर्थात बच्चों रुकना, डंक मारो। बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया। वह खिसियाकर बोला, खिसियाकर अर्थात लज्जित होकर, बहन एक बात बताओ, मैंने सदा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, फिर भी तुमने मेरे साथ भलाई ही की, ऐसा क्यों? नन्ही बोली, भलाई करना मेरा स्वभाव है, मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूँ? मेरा काम बचाना है, मैं मुसीबत में पड़े को बार बार बचाती रहूँगी। तुम्हारा काम डंक मारना है, तुम मारते रहो, देखती हूँ कौन जीतता है। बिच्छू पछतावे से भर गया। पछतावा अर्थात बच्चा दुख। नन्ही बहन
आज तुम जीत गई। मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। निर्दोष अर्थात बच्चों बेकसूर। नन्ही खुश होकर नदी में चल दी। माँ ने आज पूछा, बेटी कहाँ देर कर दी? नन्ही ने पूरी घटना बता दी। माँ प्यार से बोली, प्यारी समझदार नन्ही, भले लोग अपने बार बार की भलाई से इसी तरह बुरे लोगों को भला बनाने की राह दिखाते हैं। नन्ही प्रसन्न होकर थिरकने लगी। थिरकना अर्थात बच्चों खुशी से नाचना। इस पाठ से बच्चों हमें क्या सीख मिली? इस पाठ से हमें सीख मिली कि हमें किसी भी स्थिति में किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। अब हम शब्दार्थ और मुहावरे पढ़ेंगे और उसे समझेंगे। तट किनारा स्वभाव प्रकृति सहसा एकाएक खिसियाकर लज्जित होकर निर्दोष बेकसूर दोष रहित राह रास्ता प्रसन्न खुश दलदल गीली जमीन जिसमें खड़े होने पर पांव घसता चला जाए। मुहावरे अनसुनी करना ध्यान न देना आदत का गुलाम होना आदत से मजबूर होना वचन देना वादा करना मन डोलना विचार बदलना जीवन दान देना नया जीवन देना शर्म से पानी पानी होना बहुत लज्जित होना थिरकने लगना खुशी से नाचने लगना। बच्चों इस पाठ को एक बार आप फिर से घर पे अच्छे से पढ़ेंगे और इनके शब्दार्थ मुहावरे अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखेंगे। धन्यवाद।